एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कौंडली से लेकर और न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन के कितना कुछ वर्क उस पर कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जो कौन कौन से लेवल था वो बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। फ्लोर वर्क भी हो चुका है। अब इसका जो प्लेटफॉर्म लेवल है वो बनाया जा रहा है दोस्तों, और दोनों साइडों में एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हो, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट की जो स्टेयर है वो बनाने का काम किया जा रहा है। सेटरिंग देखो ये लगी हुई है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और यहाँ से आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चल के दोस्तों, सराय काले खां RRTS का स्टेशन बनाया है, वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका दोस्तों। तो दिखाएंगे चल के, और DND पे भी दिखाएंगे कि DND फ्लाईओवर के बगल में और यमुना रिवर में कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप सभी लोगों के बीच में दोस्तों लाता रहता है पढ़े, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करो दोस्तों। तो कुछ बायोडक्ट तो आप लोगों के यहाँ देखने के लिए मिलेगा, सारा बायोडक्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, बस प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है और दोनों साइड के जो दोस्तों स्टेयर जो क्या नाम एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो बनाने का काम किया जा रहा है। पिछली वीडियो जब मैंने आप सभी को यहाँ का अपडेट दिया था दोस्तों, तब यहाँ पर घास घूस बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी, देखो अब आज की डेट में बिल्कुल साफ कर दिया जा चुका है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। और किस तरीके से यहाँ पर ये स्टेयर बनाने का काम किया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट के दोस्तों। और इधर देखो बीच में पिलर है, उधर एक पिलर बनाया जाएगा, कौन कौन सी ये बना दिया दोस्तों। और आप लोगों को तो बता दूं, क्योंकि बिलो लाइन से ये जोड़ा जाएगा मेट्रो से, रैपिड रेल को आना जाना कनेक्ट किया जाएगा, तो उसी के लिए यहाँ पर ये कौन कौन सी लेवल बनाया गया है लंबा चौड़ा दोस्तों आने वाले टाइम में देखने के लिए। और देखो ये ब्लू लाइन की मेट्रो जा रही है दोस्तों, किस तरीके से ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को बायोडक्ट, तस्वीरें देख सकते हो, देख सकते हो RRTS का बायोडक्ट क्रॉस करता हुआ दोस्तों। कुछ ऐसा स्टेशन है दोस्तों न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन कुछ इस टाइप का है, देख सकते हो ये नीचे का नज़ारा है दोस्तों, और ये ब्लू लाइन का स्टेशन है, तो यहाँ से ये क्रॉस कर रही है RRTS। चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाएंगे चल के। देखो पिछली बार ये लॉन्चर इसी ब्लू लाइन के ऊपर था, आज लॉन्चर देखो यहाँ पर आ चुका है, तस्वीरें देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बायोडक्ट को लॉन्च कर रहा है दोस्तों, जोड़ रहा है बायोडक्ट को। और देख सकते हो ये भी पिलर बन चुके हैं, बस एक पिलर बचा हुआ है, पिछली बीच में जब बताया था मैंने तब ये पिलर बनाया जा रहा था जिसमें सेटरिंग लगी हुई है दोस्तों, देख सकते हो ये ऊपर की तरफ बढ़ाया जा रहा है। अब इस पर जैसे ही बन जाएगा वैसे इस पर पियर कैप बना दिया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद में ये लॉन्चर लग ही रहा है, दोनों साइड से ही लॉन्चर लग रहे हैं दोस्तों, आपस में ही बताऊंगा आपको। और देखो ये आ जाती है मयूर विहार 3rd से और DND के लिए रोड, यहाँ पर पहले टोल प्लाजा था वो ख़त्म हो चुका है, इसको टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे ही देखो ये बायोडक्ट निकल रहा है दोस्तों, और ये जा रहा है यमुना रिवर को क्रॉस करेगा और सीधा ये चला जाएगा सराय काले खां में। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। यहाँ पर भी देखो आगे लॉन्चर लगा हुआ है दोस्तों, उस पर भी मतलब कि आधा बायोडक्ट कंप्लीट हो चुका है, जोड़ दिया उसने यानी कि यमुना रिवर के अंदर दोस्तों। तो चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे चल के आगे के क्या क्या वर्क चल रहा है अभी, और ऐसे ही वीडियोज़ देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो दूर से ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि लॉन्चर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, देखो एक लॉन्चर वो लगा हुआ है, दूसरा लॉन्चर वो ब्लू वाला वहाँ पर लगा हुआ है, और ये सूर्य घंटा को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों देख सकते हो ये एक पिलर ये है, दूसरा ये बायोडक्ट को पिलर के ऊपर ही बना रहे हैं दोस्तों, ये तो डबल पिलर है, तो देख सकते हो सेटरिंग लगी हुई है और ये बायोडक्ट को बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये नीचे बहुत ज़्यादा बिजी रोड है इसी वजह से यहाँ पर पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को बनाया जा रहा है दोनों साइडों में देख सकते हो। और यहाँ से ये ऊपर चढ़ जाएंगे 12 पुल्ला फ्लाईओवर पर दोस्तों, तो 12 पुल्ला फ्लाईओवर को भी क्रॉस कर रही है ये RRTS की लाइन दोस्तों, और यहाँ पर लॉन्चर लगाने की जगह नहीं थी, तो इसी वजह से पिलर के ऊपर ही बायोडक्ट को जोड़ा जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से बायोडक्ट को जोड़ने का काम किया जा रहा है दोस्तों, आप लोग तस्वीरें देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत
लाता रहता आप लोगों के बीच में, और अपडेट बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी से बेल आइकन बजा दो, और जो भी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बस क्या करना है, शेयर करना है और कुछ नहीं करना। देखो ये इंद्रप्रस्थ गैस है, उसके पीछे से ही बायोडक्ट को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर सराय काले खाम है, देखो RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दूं कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट सराय काले खां से ही होता है। 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, 82 किलोमीटर के रूट में से 12 किलोमीटर का रूट दोस्तों इसमें अंडरग्राउंड है, 70 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों ये एलिवेटेड हिस्सा है। तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर काम चल रहा है, और काम किस तरीके से चल रहा है जोरों शोरों से देख सकते हो आप लोग तस्वीरें दोस्तों। बस स्टेशन देखो, ये देख सकते हो तस्वीरें, इस तरीके से यहाँ पर ये निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर दोस्तों ये है स्टेशन का पार्ट जिस पर कॉन्कोर्स लेवल बन चुका है दोस्तों, और इस पर प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है। और देखो इस पर ये सनरूफ जो रूफ टॉप इस पर डाला जाएगा ऊपर, उसका देखो स्ट्रक्चर ये बनाया जा रहा है दोस्तों, लगाया जा रहा है स्ट्रक्चर को ही, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर वर्क चल रहा है। ये देखो आप लोग तस्वीरें के किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है दोस्तों। और भविष्य में यहाँ से 4-5 लाइन गुजरने वाली हैं दोस्तों, एक तो दिल्ली अलवर, दूसरी दिल्ली पलवल, तीसरी दिल्ली पानीपत, ये 4-5 रूट यहीं से जाने वाले। तो इसी वजह से यहाँ पर लंबा चौड़ा भाई साहब ये मेट्रो ये स्टेशन बनाया जा रहा है दिल्ली मेरठ RRTS का। तस्वीरें देख सकते हो काफ़ी लंबा स्टेशन है दोस्तों, जिसका कॉन्कोर्स लेवल अभी बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर जो पिलर हैं उनके ऊपर पियर कैप का काम भी हो चुका है, मतलब गाटर लॉन्चिंग ये गाटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च किया जा रहा है पीछे तक दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है गाइस किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है दोस्तों, सराय काले खान RRTS स्टेशन का। देखो आप लोग यहाँ पर भी देखो ये बीम रख रहे हैं, तो ये बीम इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि ये जो आई गटर है उसको लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। और यह है बेस्ट ऑफ अंडर पार्क जो कि अब ऐसा ही है दोस्तों। देखो यहाँ पर भी फ्लोर वर्क किया जाएगा जिससे गाटर लॉन्चिंग कर दी है दोस्तों, तो यहीं तक है ये। और दूसरा दोस्तों ये सराय काले खां में दोस्तों ये फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, जो कि अब ये खुलने वाला ही है। पहले ये सिंगल हुआ करता था, अब ये डबल हो गया है क्योंकि यहाँ पर ये RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर डबल फ्लाईओवर की आवश्यकता थी दोस्तों। और ये PWD द्वारा दिल्ली सरकार बनवा रही है, और जिसमें जो कंपनी वर्क कर रही है दोस्तों वो है गावर कंस्ट्रक्शन। और बगल में ही देख सकते हो यहाँ पर ये दिल्ली मेरठ RRTS का कॉरिडोर ये स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों। ये देखो आप लोग तस्वीरें के किस तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, चलते रहो। देखो यहाँ पर ये पैराफिट वॉल को जो साइड बाल हैं उसको बनाने का काम किया है, डेंट पेंट भी हो गया दोस्तों, और देख सकते हो अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया बन के। तो देखते हैं आगे हम निकल सकते हैं नहीं निकल सकते हैं। और दूसरी साइड में देखो दोस्तों ये बनाया जा रहा है सराय काले खां में दिल्ली मेरठ RRTS का स्टेशन, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है दोस्तों, देख सकते हो। पहले ये सिंगल फ्लाईओवर हुआ करता था, तस्वीरें देख सकते हो, ये पहले सिंगल फ्लाईओवर था, ये अब जो कि डबल हो गया है बन के दोस्तों। देखो ये 3 लेन का है और वो 2 लेन का है, तो इसी वजह से यहाँ पर आ सकता था क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक होने वाला है दोस्तों, तो इसी वजह से यहाँ पर ये फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। जो बीच के ये पैच बते थे ना वो ही बचे हैं बनाने के लिए, कंप्लीट हो जाएगा बस इस पर दोस्तों। अब लैंडमार्किंग का काम बचा हुआ है कम्प्लीट होने के लिए, वो भी जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों देख सकते हो तस्वीरें, ये है सराय काले खां RRTS स्टेशन जो बनाया जा रहा है, कॉन्कोर्स लेवल बन गया है, जिसके अभी स्टेयर्स बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो तस्वीरें कॉन्कोर्स लेवल पे, और इसका डेंट पेंट किया जा रहा है दोस्तों, और इसमें
ये मार्बल का काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये सेटिंग लगा रहे हैं स्टेयर के लिए ही, और ऊपर रूफ टॉप का दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो। रूफ टॉप के लिए ये स्ट्रक्चर को भी लगाया जा रहा है दोनों साइडों से, उधर से भी लगाया जा रहा है और इधर से भी लगाया जा रहा है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा फ्लाईओवर है दोस्तों, ये स्टेशन होने वाला है दोस्तों RRTS का मेरे प्यारे दोस्तों। और देखो ये फ्लाईओवर है, देख सकते हो आप लोग, सारा काम बस कम्प्लीट ही हो चुका है। देखो सारा ही काम हो गया है कंप्लीट दोस्तों, इस पर बस लैंड मार्किंग का काम बचा, ये भी हो गए हैं। अब इसके बीच के ये बचे हैं पैरा फिटबॉल, ये भी उधर काम चल रहा था तो वो कर देंगे दोस्तों। देखो वाहन यहाँ तक किस तरीके से आते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है। देखो आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा ही स्लो डाउन लगा रहता है दोस्तों, पहले जब ये फ्लाईओवर नहीं था तब बहुत ज़्यादा होता था। अब ये जो बाहर जाने के लिए जाने वाले हैं दोस्तों, यानी कि ये बारापुल्ला और आश्रम यानी कि और DND की साइड में और फरीदाबाद के लिए, तो वो यहीं थे, इनके लिए ये फ्लाईओवर में अब रुकना नहीं पड़ेगा, इस जगह रुकना पड़ता था दोस्तों। तो अब ये फ्लाईओवर बन जाएगा, अब बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं है आगे जाने वालों के लिए दोस्तों। तो देखो लॉन्चर बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर दिल्ली मेरठ RRTS का कॉरिडोर का, देखो आप लोग तस्वीर है। देखो ये लॉन्चर है और ये है सरायकाले खां RRTS का स्टेशन जो कि बनाया जा रहा है दोस्तों। प्लेटफॉर्म लेवल पर अभी काम ख़त्म हो चुका है और इसका प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है, कौन कौन लेवल बन के कम्प्लीट हो चुका है देख सकते हो, और इसका कॉन्क्रीट आगे भी बनाया जा रहा है, पीछे भी बनाया जा रहा है। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो दोस्तों KP संत के चैनल पर, जो कि लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो बस करते हैं इस वीडियो से, कोई क्वेश्चन कोई सुझाव हो दोस्तों तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर भी देखो एक पार्क बनाया गया है दोस्तों, इधर भी आप लोग देख सकते हैं यमुना बाड़ क्षेत्र, यहाँ पर ये यमुना बाड़ क्षेत्र में देखो किस तरीके यहाँ पर भाई साहब बहुत अच्छा पार्क बनाया जाएगा, तस्वीरें देख सकते हो। और एक जो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि बारापुल्ला का जो फ्लाईओवर जो मयूर बिहार तक जाएगा वहाँ पर भी देखो वो यमुना रिवर पर ब्रिज बनाया जा रहा है, तो उसका भी आप लोगों को अपडेट दूँगा जल्द। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।